हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। कहाँ था? कहाँ गया था? हाँ, कहाँ गया था? ठंडा लग रहा है? जाओ जाओ, भीतर जाओ जाओ भीतर जाओ जाओ। क्या हुआ? भीतू क्या क्या कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? फ्रेंड्स, आप लोग मेरा टमाटर का पौधा देख लिया। और हर कोई पूछता है जो मेरा टमाटर का पौधा में जो फूल है झड़ जाता है, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। कोई कारण से आप लोगों का टमाटर का पौधा में फूल झड़ जाता है, जैसे ज़्यादा पानी होने से भी झड़ जाता है, फिर पॉलिनेशन ठीक से नहीं होने से भी फूल झड़ जाता है। और जब पॉलिनेशन के लिए आप लोग थोड़ा पौधा को हिला सकते हैं, ये मेरे साथ भी होता है। कभी कभी फूल से ठीक से पॉलिनेशन नहीं होता है तो आप लोग हिला सकते हैं, और इसमें ठीक से फर्टिलाइजर दे दीजिए, वीकली दीजिए एक बार करके, जो लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए और खाद ठीक से देखभाल कीजिए। और धूप चाहिए, धूप भी ठीक से होना चाहिए। वेदर से कारण से भी आपका फूल झड़ जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हम दिखाते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिए, एकदम ऑर्गेनिक जो चीज यूज करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक बॉल लिया, 1 लीटर वाटर लिया और 1 कप ये मिल्क लिया। तो ये मिल्क देने से आपका प्लांट में बहुत फायदा होता है। तो ये हम पहले खोल लेंगे और ये आप लोग दे सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपका फूल नहीं गिरेगा। और तो ऐसा करके स्प्रे कीजिए, वीकली एक बार स्प्रे कीजिए, 15 दिन बाद एक बार स्प्रे कीजिए, तो आपका प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर भी छाछ जो होता है, छाछ भी स्प्रे कर सकते हैं, वो आप लोग वीकली एक दिन कर सकते हैं। तो जो खट्टापन है उससे क्या होता है, आपका प्लांट का फूल भी नहीं गिरेगा, कीड़ा मकड़ा भी उतना नहीं लगेगा। अच्छा से ये सब जो फूल आया है वहीं पर स्प्रे कर दीजिए, इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
तो फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक है और इसमें ये प्लांट भी बहुत हेल्दी होगा और आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, फूल और नहीं गिरेगा फ्रेंड्स। ऐसा करके ये सब स्प्रे कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बैकयार्ड गार्डन है, ढेर सारा टमाटर का पौधा है। तो हम ऐसा करके यही सब देते हैं और देखिए मेरा सब रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा करके दीजिए। और फ्रेंड्स ये जो एस भी आप लोग दे सकते हैं, राख भी छिड़क दे सकते हैं, इससे आपका फायदा भी आ जाएगा। 10 दिन बाद ये दे दीजिए फ्रेंड्स, तो आपका इसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके आपका गार्डन में जो पत्ता उत्ता लकड़ी वकड़ी गिरता है तो वो थोड़ा ऐसे जाला के रग बना सकते हैं और ये दे दीजिए, इससे भी कीड़ा मकोड़ा भाग जाएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हम भी ऐसा करके हर टाइम देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग भी ऐसा करके आपका प्लांट में केयर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका अच्छा लगेगा। आपका जब टमाटर आएगा फूल नहीं गिरेगा तो अच्छा लगेगा।